हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में, जानेंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरे होती क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। एक्सरे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ गामा रेडिएशन से ज़्यादा होती है बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम होती हैं। मीन्स ये लो वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं, वेवलेंथ इनकी कम होती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब यह कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब यह कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। मीन्स एक्सरे जो होती हैं वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, मतलब कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, बहुत ही डेंजरस रेडिएशंस हैं। और स्टूडेंट्स, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसकी जो वेलोसिटी होती है एक्सरे की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इनका जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻⁻⁶ मीटर तक। और स्टूडेंट्स, एक्सरेज जो होती हैं वो बेसिकली फोटॉन्स होती हैं, इसलिए फोटॉन्स होने के कारण ये अनचार्ज रहती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। एक्सरे डिस्कवर की थी जर्मन फिजिस्ट W.C. रॉन्टजन ने 1895 में। W.C. रॉन्टजन ने क्या किया था, उसने किया था कि जब वो उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर फॉल करवाया था, तो कुछ रेडिएशंस एमिट हुई थी जिनकी प्रॉपर्टीज उस टाइम किसी साइंटिस्ट या किसी भी फिजिस्ट को पता नहीं थी, इसलिए इन रेडिएशंस को नाम दिया गया एक्स रेज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो थी उस टाइम अननोन थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, गामा रेडिएशंस, एक्सरेज, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सिर्फ विजिबल रेडिएशन को ही देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। एक्सरेज को हम किसी भी बॉडी पार्ट से महसूस नहीं कर पाते, इनको हम देख भी नहीं पाते, तो एक्सरेज जो होती हैं वो इनविजिबल रेडिएशन होती हैं। एक्सरे बहुत ही यूजफुल रेडिएशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट को पेनिट्रेट कर जाती हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, जब भी आपका कोई बोन टूट जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि एक्सरे करवा लीजिए। आप एक्सरे करवाते हैं तो आपकी वहाँ पर बोन टूटी हुई और फ्रैक्चर बोन्स की जो कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में पार्ट के अंदर, वो आपको एक रेडियोग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं। मेडिकल फील्ड में तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट साथ के साथ ये एक्सरे जो होती है वो इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती हैं, क्योंकि अगर कोई मेटल सरफेस में कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉज है उसमें, तो एक्सरेज आसानी से उस डिफेक्ट और फ्लॉज को डिटेक्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि वो सेटअप जिसके थ्रू हम एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है वो सेटअप जिसके थ्रू हम एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट के ऊपर फॉल करवाते हैं। तो सबसे पहले एक्सरे अगर आपने प्रोड्यूस करवानी है, तो सबसे पहले आपको चाहिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन गन यूज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गन, आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक लगा हुआ है फिलामेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इस फिलामेंट क्या करेगा, जब इस फिलामेंट को हम फिलामेंट में करंट पास करेंगे तो ये हीट अप होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स बीम एमिट करेगा। उस फिलामेंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू बैटरी VF, ये बैटरी फिलामेंट में करंट सप्लाई करेगी और ये हीट अप होके हमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम प्रोवाइड करेगा। ये है स्टूडेंट्स कैथोड, जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी V0 के साथ। सामने लगा हुआ है एक एनोड जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी V0, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो कैथोड से रिपेल होंगे, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल्स पे है, क्योंकि उसको नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी V0 से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो कैथोड में से बाहर निकलेंगे, सामने उसको एनोड मिलेगा। एनोड जो है वो पॉजिटिवली पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन गन हमें प्रोवाइड करेगी एक हाईली एक्सेलरेटेड फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टोन्स हमने लगा रखा है हाई एटॉमिक नंबर वाला टारगेट, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाना है। हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। जब इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट के ऊपर फॉल करेगी तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने वैक्यूम के अंदर रखा है ताकि इसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ चले। जब स्टूडेंट्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट के ऊपर फॉल होंगे तो प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा हीट, जिसको हमने करना है रिमूव। उस हीट को रिमूव करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक हीट रिमूवल सिस्टम, जिसको हम जनरली कोल्ड वाटर यूज करते हैं उस हीट को रिमूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये है वो सेटअप जिसके थ्रू हम
कर सकते हैं एक्सरेज को प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू फॉल ऑन अ टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, एक्सरेज आर प्रोड्यूस। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ आपने याद रखना है स्टूडेंट्स ये बात, जब भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर फॉल करवाते हैं तो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको नाम दिया जाता है एक्सरेज। अब हम पढ़ेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर फॉल करवाया गया और जो एक्सरेज एमिट हुई उनकी इंटेंसिटी को लैम्डा के साथ अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सरेज मिल रही है वो हर वेवलेंथ की हमें एक्सरे मिल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम वेवलेंथ से लेके मैक्सिमम वेवलेंथ तक हर तरह की वेवलेंथ मिल रही है। मेन जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम था वो कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम था और साथ में ये स्टूडेंट आप जो कर्व देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। और साथ के साथ आपको यहाँ पर कुछ पीक्स दिखाई दे रही होंगी जिनको नाम दिया गया के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एम अल्फा, एम बीटा। ये जो पीक्स दिखाई दे रही है आपको, कुछ लाइंस दिखाई दे रही है जो कि सुपर इम्पोज है कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ऊपर, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, क्योंकि ये किस टारगेट एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। ये टारगेट एलिमेंट पर डिपेंड करती हैं कि ये पीक कैसी आएंगी, इनकी हाइट कितनी होगी, मतलब ये टारगेट एलिमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि टारगेट एलिमेंट हमने कौन सा है। इन लाइंस को हम स्टडी करके, इन लाइंस को अच्छे से हम देख के, अच्छे से ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि टारगेट एलिमेंट कौन सा है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जो इस तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा होता है करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जो कि कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ऊपर ही सुपर इम्पोज है, जो कि टारगेट एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे कि ओरिजिन क्या है कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम का और करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो कैसे और क्यों प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखें, यहाँ पर ये है हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एलिमेंट का एक एटम। होता क्या स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन है ये जो हमने इलेक्ट्रॉन गन से टारगेट एलिमेंट के ऊपर फॉल करवाया था। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में होगा कोलंबियन अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण होगा क्या स्टूडेंट, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था जो हमने इलेक्ट्रॉन गन से हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर फॉल करवाया था उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी, वो स्लो डाउन होना शुरू होगा, उसकी कनेटिक एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी और होगा स्टूडेंट्स ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उसका जो पाथ था इलेक्ट्रॉन का वो डेविएट हो गया और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो था वो स्लो डाउन हो गया। और स्टूडेंट, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्लो डाउन होता है, जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिटार्डेड मोशन शो करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को नाम दिया गया एक्सरे फोटोन। इन रेडिएशंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स ब्रेकिंग रेडिएशंस और इन रेडिएशंस को एक स्पेशल नेम भी दिया गया है जिसको बोला जाता है ब्रह्मस्ट्रॉन्ग। ब्रह्मस्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग है BREMSSTRAHLUNG। ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशंस वो होती हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी दूसरी बॉडी के फील्ड में स्लो डाउन होता है, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोला जाता है ब्रह्मस्ट्रॉन्ग रेडिएशंस या फिर ब्रेकिंग रेडिएशंस। तो ये है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होने का कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो वो स्लो डाउन होगा। तो स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहा है तो ये अपनी एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा। ज्यादा लॉस करेगा मतलब कि जो हमारा एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा वो कम वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसने ज्यादा एनर्जी लूज कर दी क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहा था। तो आपको ये जो एक्सरे फोटोन मिलेगा वो मिनिमम वेवलेंथ का मिलेगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से गुजरेगा तो वो अपनी एनर्जी कम लूज करेगा तो आपको ज्यादा वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन मिलेगा। और कोई तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के थोड़ा दूर से जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी और कम लूज करेगा तो आपको ज्यादा वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन मिलेगा। मीन्स स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट एक्सरे
एक्सरेस फोटॉन्स मिलेंगे जिनकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम वेवलेंथ से लेकर मैक्सिमम वेवलेंथ की जो एक्सरेज मिलेंगे आपको, मतलब कि आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम होगा एक्सरेज का। अब हम निकालेंगे वो मिनिमम वेवलेंथ जिसके साथ एक्सरे फोटोन एमिट होगा। अब हम बात करेंगे उस मिनिमम वेवलेंथ की जो एक्सरे फोटोन के पास होगी। तो स्टूडेंट, एक्सरे फोटोन जो होता है, एक फोटोन के पास एनर्जी होती है h nu। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी भी होगी, कितनी होगी एक एक्सरे फोटोन के पास, वो होगी एच न्यू मैक्सिमम। न्यू मैक्सिमम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे फोटोन। ये किसके इक्वल होगी? जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हमने फॉल करवाया था हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को हमने पास करवाया था वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस में जब हमने एक्सरे प्रोड्यूस की थी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल, मानो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको हम वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करते हैं तो उसके पास इतनी कनेटिक एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है ई वी नॉट के बराबर। तो मैक्सिमम एनर्जी जिस एनर्जी वो मैक्सिमम एनर्जी जिस एनर्जी के साथ एक्सरे फोटोन एमिट होगा वो होगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो वो गेन करेगा जब उसको हम वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस में से पास कराएंगे। और वो एनर्जी होती है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास ई और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी नॉट। न्यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो न्यू मैक्सिमम होगा सी अपॉन लैम्डा मिनिमम। अगर यहाँ मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालें तो वो आएगी एस सी अपॉन ई वी नॉट। यहाँ पर एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10^-34 जूल पर सेकेंड। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ई है 1.6 × 10^-19 कूलम विच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी नॉट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम एच की वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू पुट करते हैं, ई की वैल्यू पुट करते हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ जो आएगी, जो एक्सरे फोटोन जिस मिनिमम वेवलेंथ के साथ अमिट होगा उसकी वैल्यू ये होगी। तो स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको वी नॉट दे सकते हैं, आप अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं कि आज इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया है। लैम्डा मिनिमम निकालो, मिनिमम वेवलेंथ निकालो उस एक्सरे फोटोन की जो एमिट होगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके वो मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका ओरिजिन क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स ये है टारगेट एलिमेंट का एक एटम जिसमें हमने डिफरेंट शेल्स ड्रॉ की हैं। पहले हमारे पास के शेल है, एक फिर एल शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर हमारे पास एम शेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद हमारे पास एन शेल है और एटम के सेंटर में प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हम टारगेट एलिमेंट के एटम के ऊपर फॉल करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। मान लो उसने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, उस होल वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी और उस होल को फिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एल शेल से के में जंप कर सकता है। तो जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करेगा तो जो एक्सरे फोटोन एमिट होगा उसको नाम दिया जाता है के अल्फा लाइन। तो सिमिलरली अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करेगा तो एक एक्सरे फोटोन एमिट होगा और हमें स्पेक्ट्रम एक लाइन शो होगी, उस लाइन को बोला जाता है के बीटा लाइन। तो ये आपको के बीटा लाइन स्पेक्ट्रम में शो हो रही है। अगर उससे अपर लेवल का इलेक्ट्रॉन मीन्स एम शेल का इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में जंप करता है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो जो एक्सरे फोटोन होगा उसके कोरस्पोंडिंग आपको स्पेक्ट्रम में एक लाइन दिखाई देगी, एक पीक दिखाई देगा, उसको बोला जाता है के गामा लाइन। तो इस तरह आपको के सीरीज के डिफरेंट लाइंस देखने को मिलती हैं, के अल्फा, के बीटा, के गामा। के सीरीज के लाइंस हमें कम मिलती है स्पेक्ट्रम में जब वैकेंसी जो है वो के शेल में क्रिएट होती है और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए के से ऊपर वाले लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जंप करते हैं, चाहे वो एल से के में जंप करें, चाहे वो एम से के में जंप करें, चाहे वो एन से के में जंप करें। अगर एल से के में जंप करेंगे तो आपको के अल्फा लाइन मिलेगी, अगर वो एम से के में जंप करेंगे तो आपको के बीटा लाइन मिलेगी, अगर वो एन से के में जंप करेंगे तो के गामा लाइन मिलेगी।
तो स्टूडेंट्स दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसने के शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, उसने एल शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो एल शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल से ऊपर वाली लेवल का एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल में जंप करेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एल शेल में, तो जो लाइन एमिट होगी वो होगी एल अल्फा लाइन और आपको पीक दिखाई देगा स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर वो एन शेल से एल शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, जो आपको लाइन मिलेगी वो होगी एल बीटा लाइन। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपको एल सीरीज की डिफरेंट लाइंस देखने को मिलेंगी स्पेक्ट्रम में। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम एम शेल की लाइंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है एनर्जी डायग्राम्स, ये है के शेल का एनर्जी डायग्राम, ये है एल शेल का, ये है एम शेल का, ये है एन शेल का। तो स्टूडेंट जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल से, एम शेल से, एन शेल से के शेल में जंप करेगा तो आपको के सीरीज की डिफरेंट लाइंस देखने को मिलेंगी, के अल्फा, के बीटा, के गामा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल शेल में आएगा या फिर एन शेल से एल शेल में आएगा तो आपको एल सीरीज की लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, जिनको हम डिनोट करते हैं एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा से। तो स्टूडेंट्स तो सिमिलरली अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन एम शेल में जंप करता है फ्रॉम हायर लेवल, जैसे एम शेल से यहाँ पर एम शेल में जंप कर रहा है तो आपको एम सीरीज के डिफरेंट लाइंस देखने को मिलेंगी, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। और यही कारण है कि हमें स्पेक्ट्रम में पीक्स देखने को मिलती हैं, काफी लाइंस देखने को मिलती हैं, जो कि टारगेट एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो टारगेट एलिमेंट पे डिपेंड करती है इन पीक्स और इन लाइंस की जो हाइट होती है, इनकी शेप क्या होगी, ये टारगेट टू टारगेट वेरी करेंगे कि आपने टारगेट कौन सा चूज किया है एक्सरेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरे स्पेक्ट्रम और उसके टाइप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।